भारतीय रीतियों के पीछे छुपा है विज्ञान का तर्क। भारतीय रीतियों के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया ने इन रीतियों को अपनाया भी है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह रीति रिवाज सब अंधविश्वासों का मेला है, पर इन रीतियों के साथ विज्ञान भी जुड़ा है, यह वो लोग नहीं जानते। क्या है ये तर्क, जानिए। पहला, मेहंदी। मेहंदी एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है और हाथों और पैरों पर इसका प्रयोग शादियों के दौरान तनाव को रोक सकता है। यह शरीर को ठंडा करता है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। दूसरा, बिछिया। भारतीय महिलाएं आमतौर पर इसको अपने पैर की दूसरी उंगली की में अंगूठी की तरह पहनती हैं। इसमें से एक विशेष तंत्रिका निकलती है जो गर्भाशय से जुड़ती है और हृदय से गुजरती है। इस प्रकार पैर की उंगली की अंगूठी गर्भाशय को मजबूत करती है और रक्त प्रवाह को नियमित कर स्वस्थ बनाए रखती है। इसके अलावा एक महिला के मासिक धर्म चक्र को इससे नियमित किया जा सकता है। तीसरा, बालियां। भारतीय चिकित्सकों और दार्शनिकों का मानना है कि कान छिदवाने से बुद्धि का विकास, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति में बढ़ावा होता है। चौथा, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ कलाई से लगातार घृष्ण का कारण बनती हैं, जो रक्त परिसंचरण स्तर को बढ़ाती हैं। इससे भी अधिक, भारी त्वचा से गुजरने वाली बिजली को फिर से अंगूठी के आकार की चूड़ियों की मदद से अपने शरीर में वापस लाया जा सकता है। पांचवा, नमस्कार। हिंदू संस्कृति में नमस्कार के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। यह दोनों हाथों को जोड़कर सभी उंगलियों को एक साथ छूना सुनिश्चित करता है, जिससे आँख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं पर जोर पड़ता है, जिससे वह सुचारू रूप से काम करते हैं। इनको एक साथ दबाने पर कहा जाता है कि इन्हें सक्रिय करने से हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हिंदू रीति रिवाजों के पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल द हिंटेक सब्सक्राइब करना न भूलें।